तो आज के इस लेक्चर में जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि वेयर हैज इन लारावेल। तो मैं गारंटी देता हूँ इस लेक्चर को अगर आप कंप्लीट देखते हो तो आपको वेयर हैज यूज करने में आपको जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये मेरा दावा है। आप इस लेक्चर को ध्यान से देखिएगा, जो भी मैं स्टेप्स बताऊंगा एक एज अ बिगिनर मैं बताऊंगा कि क्या क्या होने वाला है, वेयर हैज क्यों आया, क्यों बना। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास तीन क्वेश्चन हैं, व्हाट इज वेयर हैज, व्हाई बी यूज वेयर हैज एंड हाउ टू यूज वेयर हैज। ठीक है, तो देखिए ये मैं व्हाट इज वेयर हैज को स्टार्ट करने से पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपने देखा होगा लारावेल में एक होता है आपका वेयर, ठीक है, वेयर, और एक आपके पास न्यू टर्म आ गया है वेयर हैज। ठीक है, ये आपके पास न्यू टर्म आ गया है और इन दोनों में मैं सबसे पहले डिफरेंसेस बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या है वो मैं आपको यहाँ पर जो है एक्सप्लेन करूंगा सबसे पहले। ठीक है, तो वेयर क्या होता है, वेयर आपका जो है कंडीशंस के लिए अप्लाई होता है, वेयर मेथड जो कि आपको पता होगा। लाइक मान के चलो मैं एक एग्जांपल लेकर के चलता हूँ, जैसे मान के चलो यूजर मॉडल है जिसमें लाइक आपने लिखा वेयर समथिंग और यहाँ पर आपने लिखा लाइक आईडी इज इक्वल टू आईडी कॉमा समथिंग, यहाँ पर से 5 पास कर दिया और आपने यहाँ पर गेट कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो वेयर यूज हो रहा है ये आपका जो है करंट मॉडल पर इफेक्ट डालेगा, मीन्स कि ये जो वेयर है वो वेयर कंडीशन आपके कहाँ पर चलेगी, ये करंट मॉडल पर जो कि आपका यूजर मॉडल है। ठीक है, अब वेयर हैज यहाँ पर क्यों यूज होगा, लाइक अगर मैं यहाँ पर इसको हटा करके अगर मैं यहाँ पर वेयर हैज कर देता तो इन दोनों में डिफरेंसेस क्या हो रहा है। ठीक है, तो देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया वेयर जो है आपके करंट मॉडल पर जो है इफेक्ट डालता है, जो भी आपका लाइक यहाँ पर देख पा रहे हो जो भी आपका मॉडल क्लास है। ठीक है, बट वेयर हैज क्या करता है, वेयर हैज ये देखता है कि आपका जो करंट मॉडल है उसके अंदर जो एसोसिएशन है वो आपने यहाँ पर जो पास किया होगा, जो भी आपने स्ट्रिंग में पास किया होगा उसके अंदर वो क्या वो एसोसिएशन एग्जिस्ट करता है, अगर वो एग्जिस्ट करता है तो उसके अंदर क्या करो हमारी वेयर कंडीशंस लगाओ। अब क्या हो रहा है, अगर मैं यहाँ पर वेयर लगाता हूँ तो यहाँ पर ये क्या करता है करंट मॉडल पर इफेक्ट डालता है, करंट मॉडल के वेयर को यूज करता है। ठीक है, मीन्स करंट मॉडल का डेटा पर वेयर कंडीशन अप्लाई करता है, बट अगर हम यहीं पर वेयर हैज यूज कर देते हैं तो ये क्या करेगा करंट मॉडल के अंदर जो एसोसिएशन लगाया हुआ है, जो आपने यहाँ पर नेम पास किया हुआ है, जैसे लाइक मान के चलो मैं एक एग्जांपल लिख करके चलूंगा, लाइक मान के चलो यूजर किसी अनदर टेबल में एग्जिस्ट करता है जिसका लाइक मान के चलो रोल्स है कुछ समथिंग। ठीक है, रोल्स करके एक टेबल थी उसमें, ठीक है, और हमने क्या किया यूजर के अंदर एक एसोसिएशन लगा दिया कि इस यूजर का रोल उसके अंदर डला होगा, तो हमने वेयर हैज लगाया। ठीक है, वेयर हैज हम तब लगाते हैं, ये ध्यान से समझिए, वेयर आप तब लगाते हो जो कि आपको करंट मॉडल पर कोई भी कंडीशन अप्लाई करनी होती है, वेयर हैज आप तब यूज करते हो जब आपको किसी करंट मॉडल के एसोसिएशन रिलेशनशिप में आपको वेयर कंडीशन अप्लाई करनी होती है। ठीक है, तो बस इसका सिंपल सा इतना मीनिंग होता है वेयर एंड वेयर हैज में, जो आपका डिफरेंस है वो ये है कि वेयर आपका करंट मॉडल पर जो कॉलम्स हैं उनके ऊपर इफेक्ट डालेगा जो वेयर होगा, वेयर हैज क्या करेगा करंट मॉडल में जो एसोसिएशन लगी हुई है, जो रिलेशनशिप लगी हुई है उसके अंदर बेसिकली इफेक्ट डालेगा, उसके ऊपर जो है बेसिकली अपनी कंडीशन से अप्लाई करेगा जो कि वेयर हो गया और वेयर इन हो गया। मैं कुछ आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे आपका वेयर होता है सिंपल, एक तो ये होता है जो कि अभी हमने प्रोवाइड किया लाइक आईडी और यहाँ पर लाइक आपने आईडी दे दी, एक होता है आपका लाइक कुछ इस तरीके से वेयर आपका मल्टीपल केसेस आप यहाँ पर पास करते हो, यहाँ पर एरो की बना करके और यहाँ पर आप कॉमा से सेपरेट करते करते यहाँ पर अपना मल्टीपल प्रोवाइड करते हो, एक होता है आपका लाइक वेयर इन। ठीक है, यहाँ पर क्या करते हो वेयर इन में बेसिकली आपका यहाँ पर अपना बेसिकली सबसे पहले क्या जाता है यहाँ पर आपका कॉलम नेम, यहाँ पर आपका कॉलम नेम हुआ और यहाँ पर एक एरे जाता है लाइक आईडी समथिंग 1 2 3। ठीक है, ये बेसिकली आप अप्लाई करते हो, और भी हैं लाइक वेयर में आप लाइक ही वगैरह यूज करते हो, वेयर में आप लेस देन ग्रेटर देन वगैरह यूज करते हो। ठीक है, ये सब चीजें जो हैं आप वेयर हैज में भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए अभी आपको बस इतना मतलब समझ में आना चाहिए कि वेयर जो होता है आपके करंट मॉडल के कॉलम्स पर बेसिकली क्या करता है इफेक्ट डालता है, वेयर कंडीशन अप्लाई करता है जो कि आपको ये दिखाई दे रही है। ठीक है, बट वेयर हैज क्या करता है करंट मॉडल में जो रिलेशनशिप लगी हुई है उसके ऊपर जो है ये कंडीशन से अप्लाई करता है। ठीक है, ना कि आपके करंट मॉडल के कॉलम्स पर। ठीक है, तो आई होप आप अंडरस्टैंड हो पाए होंगे वेयर एंड वेयर हैज के डिफरेंस के बारे में। अब देखिए वेयर हैज का आप मतलब समझ चुके हो व्हाट इज वेयर हैज। अब यहाँ पर मैं सिंपल डेफिनेशन आपको प्रोवाइड करूँ तो वेयर हैज क्या है बेसिकली आपका नेस्टेड रिलेशनशिप के लिए यूज किया जाता है, जो भी आपको कंडीशन वगैरह अप्लाई करनी है मोस्टली ये जो है आपका सर्चिंग वगैरह में यूज होता है। अब देखिए यहाँ पर मैं दूसरे क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ व्हाई वी यूज वेयर हैज। अब देखिए डिफरेंट वेज हो सकते हैं कि आप वेयर हैज को क्यों यूज कर रहे हो। ठीक है, अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ जो कि मैं अभी आपको लाइव प्रोजेक्ट के एक API है उसमें भी आपको बताऊंगा कि कैसे मैंने यूज किया,
कैसे मैंने उसको वर्किंग की। तो वेयर हैज मैं क्यों यूज करता हूँ, मैं अपने स्पेशली तरीके से बता रहा हूँ। वेयर हैज मैं तब यूज करता हूँ, मान के चलिए मेरे को रिलेशनशिप के अंदर वेयर कंडीशंस लगानी है कि मैं चाहता हूँ कि जो मेरी रिलेशनशिप चल रही है, जो भी मेरे डेटा के साथ रिलेशनशिप डेटा आ रहा है, मैं चाहता हूँ उस रिलेशनशिप के अंदर कुछ कंडीशंस लगे, उन्हीं के बेसिस पर क्या हुआ आपका डेटा बेसिकली सर्च होकर के आए। ठीक है, तो मैं बेसिकली सर्चिंग के लिए यूज़ करता हूँ वेयर हैज, और ये मोस्टली सभी लोग इसी तरीके के लिए यूज़ करते होंगे। ठीक है, एंड हाउ टू यूज़ वेयर हैज, इसके ऊपर चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा जहाँ पर आपको समझना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एग्जाम्पल क्या देने वाला हूँ वो समझ लीजिए आप। देखिए यहाँ पर आपको टेबल एसेट्स दिखाई दे रही है, बेसिकली एक डेटाबेस है मेरे पास जिसमें बेसिकली आपको एक टेबल एसेट्स दिखाई दे रही है, जिसमें कुछ एसेट्स डले हुए हैं। आप इनको गोली मारो, मींस यहाँ पर आप जो है एसेट कैटेगरी आईडी टाइप यूआरएल इन थंबनेल वगैरह को छोड़ दो, मींस आपको इससे लेना देना नहीं है। हमारा जो लेना देना है हमारा इन आईडीज की बेसिस पर है। मान के चलो इसमें कुछ डेटा डला हुआ है, ये उनकी आईडीज हैं एसेट्स की, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब ये जो है टेबल एसेट्स, अगर मैं इसके मॉडल के बारे में दिखाता हूँ, यहाँ पर मैं साथ के साथ मॉडल भी आपको एक्सप्लेन करूंगा जिससे कि आप थोड़ा क्लियर हो पाएं इजिली। तो यहाँ पर मेरा मॉडल बना हुआ है, लाइक मॉडल्स के अंदर गया, एसेट मॉडल है मेरा। ठीक है, तो यहाँ पर ये मेरा मॉडल है, टेबल एसेट्स इससे कनेक्टेड है, टाइम स्टैम्प वगैरह मैंने फॉल्स दिया हुआ है, ये मेरे उसके कुछ कॉलम्स हैं जो कि मैंने यहाँ पर फिल लेवल में प्रोवाइड किए हुए हैं। ठीक है, बट यहाँ पर जो मेरा केस बन रहा है, जो एग्जाम्पल बन रहा है, यहाँ पर जो मेरे टेबल एसेट्स के अंदर जो डेटा डला हुआ है, यहाँ पर इसका एक और टेबल है एसेट्स टैग। अब इसमें क्या होता है, ये जो एसेट्स हैं इनके कुछ टैग्स हैं जो कि आपके इस टैग इस टेबल टैग्स के अंदर मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि ये आपका टेबल एसेट्स टैग्स। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, बेसिकली आपके एसेट आईडी एज अ फॉरन की यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं, इसमें आपके टैग डले हुए हैं। यहाँ पर हम ये बता रहे हैं कि टेबल एसेट की जो आईडीज हैं यहाँ पर, लाइक वन, अगर आप एसेट देखो ये वन एसेट जो है यहाँ पर, इसके कितने टैग्स हैं यहाँ पर देख सकते हो, आपके 3 टैग्स यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, एसेट आईडी वन, एसेट आईडी वन, एसेट आईडी वन, यहाँ पर क्या हो रहा है, एसेट आईडी ये हैं और आपके टैग्स ये हैं उससे रिलेटेड। ठीक है, अब जैसे मैं बात करूँ दूसरे वाले एसेट के, यहाँ पर कितने टैग्स एग्जिस्ट करते हैं, यहाँ पर एक केरा ह्यूमन, एक यहाँ पर है इमोजी इमोजी बॉडी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बेसिकली आपका रिलेशनशिप बन रही है आपकी यहाँ पर, हैज मैनी रिलेशनशिप। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, आपको पता है कि टेबल एसेट्स के अंदर हमें एक रिलेशनशिप मेथड बनाना होगा, तो लाइक यहाँ पर मैंने ऑलरेडी बना करके रखा हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रहा था कि ये लाइव प्रोजेक्ट था जिस पर मैंने वर्किंग किया था, तो उसी का कोड मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, एक मेथड बना लिया जो कि टैग्स नाम का है। मैं चाहता हूँ कि एसेट्स जब फैच करे कोई भी जो यूज़र है वो अगर फैच करता है एसेट्स को, तो क्या हो, उसके साथ उसके टैग्स भी आए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर नॉर्मल है, तो यहाँ पर मैंने रिलेशनशिप ऐड कर दी, हैज मैनी की रिलेशनशिप, और जो कि एसेट टैग नाम का मॉडल है, इसको भी मॉडल को भी मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। बेसिकली हम दो ही मॉडल के बारे में बात करेंगे अभी। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली आपका टेबल एसेट्स टैग से कनेक्टेड है ये मॉडल, एंड फिल लेवल में बेसिकली आपके ये बेसिकली कॉलम्स में। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, हैज मैनी का रिलेशनशिप बनाया। देखिए यहाँ पर एसेट का इसके साथ हैज मैनी का रिलेशनशिप बनेगा टेबल एसेट्स टैग के साथ, तो यहाँ पर मैंने प्रोवाइड किया एसेट टैग जो कि जिसमें एग्जिस्ट करती है एसेट आईडी, और यहाँ पर जो है एसेट के अंदर है वो आईडी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बेसिकली ऑर्डर बाय आईडी डीएससी ले रखा है, ये अगर मैं हटा भी दूंगा तो इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मतलब ना होगी, क्योंकि मैंने लास्ट लेक्चर्स में ही बताया ऑर्डर बाय कैसे आप यूज़ कर सकते हो, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बट आपको यहाँ तक ध्यान देना है ये जो आपका रिलेशन लगाया हो। ठीक है, इससे आपको ध्यान नहीं देना, ये बेसिकली क्या करेगा, आपका जो भी डेटा निकल के आएगा वो ऑर्डर बाय आईडी डीएससी करके निकल के आएगा। ठीक है, मींस आईडी डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो यहाँ पर जो है हमने रिलेशन बता दिया, ये आपका रिलेशन लगा हुआ है, टैग्स नाम का हमने मेथड बनाया हुआ है। अब मैं चलता हूँ एपीआई के पास, जो कि हमने एपीआई बनाई है, ये बेसिकली एक एपीआई है एसेट सर्च, और यहाँ पर ये जो है कीवर्ड जाता है कि हम इस कीवर्ड पर जो है बेसिकली सर्चिंग के बेस पर हम जो है डेटा लेकर के आ रहे हैं। अब मैं इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ इस एपीआई के बारे में। सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने राउट्स के पास, राउट्स में हम आ जाते हैं api.php, जहाँ पर मैंने बनाया हुआ है, देख सकते हो ये वाली API है। ठीक है, एसेट सर्च, और यहाँ पर देख सकते हो कर्ली ब्रैकेट में एक सर्च है। अब इसमें होता क्या है, यहाँ पर ये जो तीसरा वाला आपको दिखाई दे रहा है स्लैश के बाद, यहाँ पर बेसिकली एक कीवर्ड है जिसके बेसिस पर आपकी सर्चिंग चलने वाली है। ठीक है, यहाँ पर जो भी आप प्रोवाइड करोगे उसके बेसिस पर आपकी सर्चिंग चलेगी। ठीक है, इस API का जो मुद्दा है वो जो ये मतलब इसका पर्पस है इस API का, वो ये है कि ये क्या करेगी, बस आपको कीवर्ड प्रोवाइड करेगी, उसके बेसिस पर आपको क्या करना है डेटा लेकर के आना है। बट ध्यान रखिए इस API का जो काम है वो ये है कि ये यहाँ पर ओनली टैग प्रोवाइड करेगी। ठीक है, समझिए ध्यान से कि क्वेश्चन क्या है मेरा,
कि यहाँ पर ये जो एपीआई बन रही है आपकी एसेट स्लैश सर्च स्लैश सीएमएस, ठीक है, ये बेसिकली क्या है, आपका कीवर्ड है जो कि आपका सर्च कीवर्ड है, मीन्स इसको ये सर्च करना चाह रहा है, ये बेसिकली आपका टैग है। अब यहाँ पर मैं बात करूँ, ये बेसिकली आपका एसेट्स है और ये आपका एसेट्स टैग है। अब इस एपीआई का काम क्या है, यहाँ पर ये जो आपको कीवर्ड प्रोवाइड करेगा, तो इस एपीआई का जो पर्पस है वो ये है कि ये कहना चाह रही है कि मैं यहाँ से अगर अपना कीवर्ड प्रोवाइड करती हूँ तो मेरे को जो मैं यहाँ से कीवर्ड दूंगी वही टैग्स के बेसिकली मेरे को एसेट निकल के आए। समझ पा रहे हो ना, अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे मेरी बात, कि यहाँ पर ये जो कीवर्ड आएगा उस टैग के रिलेटेड मेरे को एसेट निकल के आए। लाइक मान के चलिए इसने डाला ये जो है कीवर्ड आपको दिखाई दे रहा है सीएमएस, ठीक है, तो यहाँ पर ये चाहता है कि इस कीवर्ड से रिलेटेड जो सीएमएस कीवर्ड है इससे रिलेटेड किस किस में मीन्स किस एसेट्स के अंदर ये कीवर्ड एग्जिस्ट करता है जो कि टैग है एज अ टैग, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, अगर हम वैसे ही आउटपुट निकालें विदाउट अगर क्वेरीज को बना बना बिना बनाए हुए, ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे सीएमएस नाम का एक टैग यहाँ पर एग्जिस्ट करता है जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो, बट ये किस एसेट के अंदर एग्जिस्ट करता है जो कि आपका एसेट आई डी 1। मीन्स कि यहाँ पर अगर मैं जब ये एपीआई हिट करूंगा सीएमएस, ठीक है, ये कीवर्ड डाल करके, तो ये क्या करेगा मेरे को ये फर्स्ट वाला एसेट निकाल करके देगा, क्योंकि इसी एसेट के अंदर बेसिकली ये टैग एग्जिस्ट करता है और किसी के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो आई होप आप अंडरस्टैंड हो पाए होंगे इस एपीआई का मतलब क्या है। इस एपीआई का मतलब ये है कि बस ये जो कीवर्ड यहाँ से डालेगा उससे रिलेटेड जो भी टैग्स उस एसेट्स के अंदर एग्जिस्ट करते हैं उन एसेट को हमारे को ला करके दो, ठीक है। तो चलिए मैं इसके अंदर और चलता हूँ डीपली, ठीक है। यहाँ पर ये बेसिकली एक एपीआई का हमने गेट राउट बनाया हुआ है जिसमें सर्च है जो कि आपका कीवर्ड आ रहा है, इसमें आपका एसेट सर्च जो है मेथड कॉल होता है टेम्पलेट कंट्रोलर के अंदर, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं टेम्पलेट कंट्रोलर के अंदर, कंट्रोलर्स एपीआई टेम्पलेट कंट्रोलर। अब यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ, अब यहाँ पर मैं ये रहा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए, अभी कंफ्यूज ना हो, मैं जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आज के बाद आप भूल नहीं पाओगे, तो हम क्या करते हैं यहाँ से आपको कर देते हैं इसको क्लियर, ठीक है। हम इसे खुद ऐसे इम्प्लीमेंट करेंगे जिससे कि आपको डाउट क्लियर हो पाए, ठीक है। तो यहाँ पर ये बेसिकली आप इसको तो आप जानती होगी, यहाँ पर ये बेसिकली हम एज अ रेस्पॉन्स हम भेजेंगे, बट हमारा जो काम है वो हमें वेयर हैज को अंडरस्टैंड करना है ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस कीवर्ड से रिलेटेड जो टैग्स एग्जिस्ट करते हैं उन एसेट्स के, तो हमें वो डेटा लेकर के आना है। अब लाइक मान के चलिए मैं एसेट नाम का मेरा मॉडल था एसेट कॉलन कॉलन, अब जैसा कि आपको पता है मैंने यहाँ पर रिलेशनशिप लगा रखी है टैग्स की, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ विद और टैग्स लिखा मैंने यहाँ पर जो भी मेरा रिलेशनशिप है, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ गेट, ठीक है। अभी देखिएगा जो भी आपको आउटपुट देखने को मिलेगा वो क्या मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से मैंने डेटा यहाँ पर लिया डेटा नाम के वेरिएबल में, और ये यहाँ से जो है डेटा रिटर्न कर देगा, ठीक है। अगर मैं इसको सेव करके यहाँ पर सेंड करता हूँ, देखते हैं कि क्या रेस्पॉन्स आता है। तो ठीक है, ये बेसिकली अनऑथेंटिकेटेड हो चुका है, मेरे को अगेन लॉगिन करना पड़ेगा, टोकन प्रोवाइड करना होगा इसके लिए, तो टोकन प्रोवाइड कर देते हैं अभी हम, न्यू टोकन यहाँ से कॉपी करते हैं और चलते हैं हम अपने यहाँ पर, ठीक है। तो इसके मैं हेडर्स में पास कर रहा हूँ वीआरआर टोकन, तो यहाँ पर हमने ये जो टोकन है वो हमने प्रोवाइड कर दिया, एंड मैं यहाँ से सेंड करता हूँ, ठीक है। तो अब मेरे को आउटपुट आना चाहिए, तो देख सकते हो गाइस मेरे को जो आउटपुट आ रहा है वो क्या आ रहा है, बेसिकली आपको वन एसेट मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा वन एसेट, मैं थोड़ा इसको और ऊपर कर लेता हूँ, चलो और ऊपर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कि वन एसेट आ रहा है जिसके अंदर आपके टैग्स आ रहे हैं एग्जिस्ट हो रहे हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देखते हो ये जो सीएमएस है, ठीक है, ऑलरेडी इसमें मींस एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पर ये पोस्ट जो बेसिकली सॉरी एसेट आपको आना चाहिए था, ठीक है, आईडी एसेट आना चाहिए, क्योंकि ये जो आपने यहाँ से भेजा है वो इसके अंदर एग्जिस्ट करता है, तो ये आपको आना चाहिए। बट यहाँ पर हो रहा क्या है, अभी अगर मैं नीचे आऊँ तो यहाँ पर टू वाला एसेट भी आ रहा है, बट इसके टैग्स के अंदर ये जो सीएमएस नाम का कीवर्ड है ये एग्जिस्ट तो करता ही नहीं, बट ये क्यों आ रहा है, क्योंकि गाइज इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी तक हमने वेयर हैज पढ़ा ही नहीं, मीन्स यूज ही नहीं किया, ठीक है, उसके बारे में। तो देखिए ये बेसिकली क्या करेगा, आपको सारा का सारा डेटा ला करके दे रहा है, जितने भी बेसिकली आपके एसेट हैं उनसे रिलेटेड जो भी टैग्स हैं उन सभी का डेटा ला करके अभी आपको दे रहा है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया जो हमारी एपीआई का काम है वो ये कह रही है कि ये जो आपको मैं कीवर्ड प्रोवाइड करूंगी उसी टैग्स से रिलेटेड मेरे को एसेट निकाल करके दो। अब बेसिकली मेरा जो आउटपुट आना चाहिए था वो ओनली ये वाला आना चाहिए था, ये वाला आउटपुट आना चाहिए था इसमें, ठीक है।
क्योंकि इसके अगर एसेट के टैक्स में देखा जाए तो यहाँ पर सीएमएस एंटर करता है, मींस एग्जिस्ट करता है, तो यहाँ पर ये वाला आउटपुट आना चाहिए। तो उसके लिए हम यूज करते हैं यहाँ पर गाइज वेयर हैज, ठीक है, ध्यान से समझिएगा ये। अगर आप देखिए, मैं इसके और भी थोड़े दिखा देता हूँ, अंडरस्टैंडिंग करा देता हूँ ठीक तरीके से। लाइक बाय, तभी मान के चलिए आपने यहाँ पर विद नहीं लगाया, ठीक है। अब आप सोच रहे हो कि वेयर हैज को क्या मैं इनके बेसिकली एसेट के ऊपर लगा सकता हूँ, जैसे मैं टाइप हो गया, एसेट कैटेगरीज आईडी हो गई, क्या मैं इनके ऊपर लगा सकता हूँ? तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ऐसे आप करोगे तो आपको एरर आ जाएगी। लाइक मान के चलो मैं वेयर हैज टाइप यहाँ पर जो है प्रोवाइड करता हूँ, और मैं इसको सेव करके यहाँ से रन करूंगा, तो अभी आपको एरर देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोलता है, कॉल टू अनडिफाइंड मेथड एप एसेट कॉलन कॉलन टाइप। अब ये क्या करता है, ये बेसिकली आपके इस एसेट के अंदर देखता है कि कोई ऐसा रिलेशन बना हुआ है इस नेम से, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो इसे कोई मिला ही नहीं, यहाँ पर टैक्स नाम का तो एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें टैक्स यूज करना होगा, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा कंट्रोल जेड कर लेते हैं, हम विद के साथ आ जाते हैं, जैसे कि हमारा डेटा भी आए, आउटपुट भी आए, ठीक है। मैं आपको एक लास्ट में एक थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज दिखाऊंगा जो कि आपको लास्ट में पता चलेगी, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने टैक्स विद लगाया, ठीक है, मीन्स मेरे डेटा आना चाहिए जो कि रिलेशनशिप में चल रहा है। अब मैंने वेयर हैज यूज कर रहा हूँ, वेयर हैज मैं क्यों यूज कर रहा हूँ, मेरा जो पर्पस था वो मेरा यूज करने का वो ये था कि मैं इस रिलेशन के अंदर बेसिकली वेयर कंडीशंस लगाना चाहता हूँ। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर वेयर डायरेक्ट यूज करूंगा और मैं यहाँ पर लिखूँ, अगर मैं बेसिकली एक बार जो है आउटपुट निकाल करके दिखा देता हूँ थोड़ा, उससे आपको अंडरस्टैंड होगा। तो एक बार मैं हिट कर देता हूँ क्योंकि मेरे को दिखाना होता है आपको कि देखिए, अब मैं चाहता हूँ कि देखिए हमारा टैग के ऊपर लगना चाहिए, ठीक है। टैग सीएमएस कीवर्ड मैच करता है तो ठीक है, जो भी यहाँ से ये जो डालेगा, जो भी टैग डालेगा वो हमारा इस की के साथ मैच करेगा, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, लाइक अगर आप सोचो कि नहीं वेयर हम लगा लेते हैं, तो वेयर में अगर आप लगाते हो, लाइक आपने लिखा टैग और फिर आप यहाँ पे लिखते हो जो कि आपका डॉलर सर्च आ रहा है, जो कि आपका ये बेसिकली ये कीवर्ड है, इसमें बेसिकली आपका सर्च आ रहा है जो कि आपके वहां से एपीआई से हिट हो रहा है, ठीक है। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको बेसिकली वो डेटा नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली आप अननोन कॉलम के साथ बेसिकली आप सर्चिंग लगा रहे हो, तो ये तरीका गलत है, इसलिए हमें यहाँ पर यूज करना होता है वेयर हैज, ठीक है। बट इसकी कुछ कंडीशंस हैं जो कि मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अब वेयर हैज क्या बोलता है कि वेयर में तो आप सिंपल इस पर्टिकुलर जो पेरेंट आपका जो बेसिकली आपका करंट जो मॉडल होता है उसके आप कॉलम्स प्रोवाइड करते हो, डायरेक्ट आपको यूज कर लेते हो वेयर में, ठीक है, वेयर हैज में। बट कंडीशन क्या है कि यहाँ पर सबसे पहले जो आर्ग्यूमेंट जाएगा वो आपका होगा रिलेशनशिप मेथड का नेम। अब यहाँ पर रिलेशनशिप मेथड का नेम कौन सा होगा, लाइक यहाँ पर जो रिलेशनशिप मेथड है वो टैक्स है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, टैक्स प्रोवाइड करना होगा, क्योंकि ये क्या करेगा, वेयर हैज जो आपका जो स्ट्रिंग यहाँ पर देते हो ना, वो एज अ मेथड जो है अपने में चेक करता है, ऐसे कुछ इस तरीके से चेक करता है कि क्या एसेट के अंदर कुछ इस तरीके का मेथड बना हुआ है, ठीक है, ऐसे सर्च करेगा, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, अभी हमने यहाँ पर डायरेक्ट टैग्स पास करते हैं, हम ऐसे पास नहीं करते हैं, बट मैं इंटरनली बता रहा था ये ऐसे चेक कर रहा होगा मेथड, ठीक है। बट हमें ऐसे नहीं करना, हमें बेसिकली आपको रिलेशनशिप मेथड का नेम प्रोवाइड करना है, जो कि आपका जैसे कि यहाँ पर हमने विद के अंदर प्रोवाइड किया हुआ है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, टैग्स के अंदर गए, ठीक है, मीन्स जो आपका टैग्स है सर्चिंग चलेगी, वेयर हैज मीन्स यहाँ पर आया, ये बेसिकली इसके अंदर आया टैग्स के अंदर, ठीक है, जो भी डेटा आ रहा होगा आपका बेसिकली इसके अंदर चला, मींस ये जो एरे है अब ये इसके पास यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, इसने चेक कर लिया कि हाँ मेरे मींस कि ये जो मेथड है वो एग्जिस्ट करता है आपके एसेट मॉडल के अंदर, ठीक है, जो कि आपका रिलेशनशिप लग रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें बेसिकली कंडीशंस प्रोवाइड करनी है कि ये मेरा मैच करे कीवर्ड इस टैग नाम के की के साथ, ठीक है, वो आप कैसे कर पाओगे। तो उसके लिए यहाँ पर गाइज जो सेकंड आर्गुमेंट इसमें जाता है, फर्स्ट आर्गुमेंट तो वो हो गया आपका रिलेशनशिप मेथड का नेम जो कि आपने प्रोवाइड कर दिया, सेकंड जो आर्गुमेंट होता है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ पर आपका जाएगा फंक्शन, ठीक है। अब फंक्शन यहाँ पर आप जो देते हो, लाइक मैं यहाँ पर दे देता हूँ ये रहा, ठीक है, फंक्शन में यहाँ पर आप एक वेरिएबल पास करोगे। वेरिएबल क्यों पास करना होता है, लाइक अगर मैं यहाँ पर जो वेरिएबल पास होता है वो होता है आपका एज अ क्वेरी जाती है, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर अगर आप ऐसा नहीं करोगे, आप अगर वेरिएबल पास नहीं करोगे तो आपको प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि आप इसके अंदर बेसिकली सब क्वेरीज नहीं बना पाओगे, ठीक है। जैसे कि आप जानते होंगे कि जब भी हम एसक्यूएल की क्वेरीज यूज करते हैं, कभी कभी हमें जरूरत पड़ जाती है कि हम सब क्वेरीज का यूज करें, ठीक है। तो वही काम ये यहाँ पर कर रहा है, हमें सब क्वेरीज अगर बनानी है तो हम वेयर हैज का यूज कर सकते हैं, जिसमें हम क्या करेंगे, ये जो क्वेरी यहाँ पर, जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पर ये डॉलर क्वेरी ही लिखो, यहाँ पर डॉलर
क्यू यू लिख लो, क्यू यू क्यू लिख लो, या आप बाई लिख लो, जो भी आपको लगता है वो लिख लो, बट मैं यहाँ पर क्वेरी लिखता हूँ, जिससे कि थोड़ा पता चलता रहता है कि मीनिंगफुल जो है वेरिएबल नेम बनता रहता है, ठीक है। तो डॉलर क्वेरी में बेसिकली क्या है, आपका सब क्वेरी का एज अ ऑब्जेक्ट है यहाँ पर आपको मिलेगा, ठीक है। तो इसको हमें यूज करना होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, एक प्रॉब्लम मैं आपको दिखाऊंगा। अब मैंने यहाँ पर यूज किया डॉलर क्वेरी। अब देखिए आपके पास क्या है, टैक्स के अंदर, अब आपके पास टैक्स के अंदर जो डेटा है उसका एक्सेस आपको आ चुका है, ठीक है। बट ये ध्यान रखना, इस डॉलर क्वेरी के पास इसके कॉलम का कोई एक्सेस नहीं होगा जो आपके एसेट के अंदर है, ठीक है। ये बेसिकली आपके टैक्स के अंदर का एग्जिस्ट करेगा। लाइक मैं अगर इसको यहाँ से जस्ट, मैं थोड़ा सा इसको यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ टैक्स वाले को, सेक्शन को, जैसे कि मैं थोड़ा आपको अंडरस्टैंड करा पाऊँ, इसलिए अगर मैं यहाँ पर इसको पेस्ट करता हूँ, ठीक है, थोड़ा मैं जूम आउट करता हूँ। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर जो है टैक्स लिखा, ठीक है, तो इसने चेक किया कि क्या टैक्स नाम का कुछ डेटा प्रोवाइड हो रहा है। तो यहाँ पर इसको मिला कि हाँ ये कुछ डेटा है जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब ये क्या करेगा, इसके पास जो है आपका इससे रिलेटेड कोई की एग्जिस्ट नहीं करती इस क्वेरी वेरिएबल के पास, ठीक है। तो अगर लाइक मैं यहाँ पर थोड़ा दिखाऊंगा आपको कि आपके पास ये वाली की एक्सेसिबल नहीं होंगी अगर आप सब क्वेरी के अंदर पास करो तो, ठीक है। कहीं आप ये सोचो कि नहीं मैं यहाँ पर इस तरीके से लगाऊंगा वेयर, और मैंने यूज करना चाहा कि मैं यहाँ पर एसेट कैटेगरी आईडी यूज कर लूँ, या कुछ जो आपको लगता है, लाइक मैंने आपको बताया टाइप यूज करके देख लो, तो ऐसा आप नहीं कर सकते। क्योंकि क्या होगा, ये बेसिकली आपके टैक्स नाम के रिलेशनशिप में जो डेटा आ रहा है उसी की कीज को लेगा, ठीक है। अब जैसे इसके रिलेशनशिप में जो कीज एग्जिस्ट करती हैं वो आपकी एग्जिस्ट करती हैं, आईडी हुई, एसेट आईडी हुई, टैग हुआ, क्रिएटेड एट हुआ, अपडेटेड एट हुआ, ये आपको यूज कर सकते हो जो भी आपके इसके अंदर प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। बट आप इसके बाहर वाले का जो एसेट है इसका यूज नहीं कर सकते कोई भी की, ठीक है। तो अब जैसा कि मैं बता रहा था, वेयर हैज आप क्यों यूज करते हो, वेयर हैज आप इसलिए यूज करते हो जो कि आप आपका रिलेशनशिप में जो डेटा आ रहा है उसके ऊपर कंडीशन अप्लाई कर सको, ठीक है। तो यहाँ पर हमें डॉलर क्वेरी नाम का एक वेरिएबल पास करना होता है, या आप कोई भी वेरिएबल पास कर लो जिसमें आपका बेसिकली एज अ ऑब्जेक्ट होता है, जिस पर आप क्या कर सकते हो, जो नेस्टेड रिलेशनशिप है उसके ऊपर आप परफॉर्म कर सकते हो वेयर कंडीशन हुई। लाइक यहाँ पर आप लाइक वेयर यूज कर सकते हो, ठीक है, या वेयर इन यूज कर सकते हो, ठीक है, या वेयर के अंदर मल्टीपल जो कि कीज प्रोवाइड कर सकते हो, या आप लगता है वेयर नॉट इन यूज कर सकते हो, ठीक है, या आप जो भी मतलब चाहते हो वो आप यूज कर सकते हो इस डॉलर क्वेरी ऑब्जेक्ट के साथ, ठीक है। यहाँ पर जो भी आपका बेसिकली इसके अंदर असाइन है क्वेरी, इसलिए आप उसके लिए जो भी लारावेल में प्रोवाइड किए गए हैं, लाइक वेयर हुआ, ठीक है, समथिंग सिलेक्ट हुआ, वो भी आप सब यूज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर जरूरी नहीं है वेयर ही यूज करोगे, ठीक है, यहाँ पर आप सब कुछ यूज कर सकते हो, सिलेक्ट वगैरह हुआ, या वेयर हुआ, वेयर नॉट इन हुआ, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। बट मेरा जो केस है वो मेरी एपीआई का वो ये केस है कि मेरे को यहाँ पर ये प्रोवाइड करना है कि ये वाला कीवर्ड अगर उसके टैग्स में एग्जिस्ट करता है तो मेरे को वो एसेट ला करके दो, ठीक है। बट एक बात ध्यान से समझिएगा, जो यहाँ पर कंडीशंस लगेंगी, जो यहाँ पर कंडीशंस लगेंगी उसी को देखते हुए आगे जो है डेटा रिटर्न होगा। लाइक मान के चलो, अगर ये मान के चलो ये जो आपका डेटा आ रहा था, ठीक है, एस टैग्स के अंदर जो हम पहले एसेट की बात कर रहे हैं, अगर इसमें सियामिस नाम का टैग नहीं होता तो ये आपको ये वाला एसेट रिटर्न नहीं करता जो पहला वाला एसेट था, ठीक है। अभी चेक कर लेते हैं, अभी हम चेक कैसे करेंगे। लाइक मैंने यहाँ पर यूज किया वेयर इन, ठीक है। अब वेयर इन में मैंने यहाँ पर लिखा, क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर वेयर इन में, मैं यहाँ पर लिखूंगा टैग, कि टैग के अंदर वो कीवर्ड एग्जिस्ट करता है क्या जो वहां से एपीआई से आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर एक मेन और जो कि प्रॉब्लम है वो ये है कि बहुत से लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो है डायरेक्ट लिख देंगे कि एक एरे बनाया, लाइक वेयर इन में तो हम एरे बनाते ही हैं नॉर्मली, और इसमें आपने क्या लिख दिया, जो आपका डॉलर सर्च आ रहा है, और उसको आपने यहाँ पर डायरेक्ट ऐसे पास कर दिया, ठीक है। अब आप सोचते हो कि नहीं, अब हमारा काम बन गया, अब हम क्या कर रहे हैं, इसलिए टैग्स के अंदर टैग को सर्च कर रहे हैं जो भी यहाँ से भेजा होगा एपीआई ने सीएमएस नाम का टैग, और हम उसको इजिली यूज कर पाएंगे, जो भी वेयर इन लगेगा हमारा सक्सेसफुली दे पाएगा डेटा, ठीक है। बट ये आपकी बहुत बड़ी गलती है, अगर मैं इसको रन करा के दिखाता हूँ, अभी आपको एरर देखने को मिलेगी, तो देखिएगा एरर क्या आती है। तो देख सकते हो यहाँ पर बोलता है अनडिफाइंड वेरिएबल सर्च। अब आप बोलोगे ये सर्च वेरिएबल यहाँ से तो आ रहा है, बट यहाँ पर हम यूज क्यों नहीं कर पा रहे हैं। अब जैसा कि गाइज आप लोग जानते हो, अगर आपने नॉर्मली उप्स पढ़े होंगे पीएचपी में, तो क्या होता है, ग्लोबली जो वेरिएबल्स होते हैं उनको अगर हमें फंक्शंस के अंदर यूज करना होता है तो हमें उनको एज अ ग्लोबल डिक्लेयर करना होता है अपने फंक्शन के अंदर, ठीक है।
बट यहाँ पर लारावेल आपको थोड़ा इजी कर देता है इसको यूज करने के लिए, कि अगर आपको ध्यान रखिएगा जब भी आप फंक्शन यूज कर रहे हो इंटरनली जो भी आप क्वेरीज के अंदर, और जो आपका क्वेरी है ये तो आपका यूज हो ही रहा है, नॉर्मली यूज हो रहा है, बट ये जो आपका वेरिएबल है, या मान के चलिए यहाँ पर अभी आपका कोई डॉलर एक्स नाम का वेरिएबल है, अगर आपको लाइक इसमें जीरो असाइन था, ठीक है, अगर आपको इसको यहाँ पर यूज करना चाहोगे तो क्या यूज कर पाओगे? लाइक अगर मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर मैं यहाँ से डॉलर एक्स लिखता हूँ तो अभी ये बोलेगा अनडिफाइंड वेरिएबल डॉलर एक्स, ठीक है, मीन्स एक्स, ठीक है, तो यहाँ पर अनडिफाइंड बोल रहा है। अभी आप बोलोगे यहाँ पर तो डिफाइंड है, यहाँ पर इसलिए अनडिफाइंड क्यों आ रहा है, ठीक है। अब चलिए मैं इसी पर बात कर लेता हूँ सर्चिंग पर, इसको हम डॉलर एक्स को मार देते हैं गोली, ठीक है, इसको हम हटा देते हैं। तो अभी यहाँ पर हमें सर्च वाले वेरिएबल को अंदर कैसे यूज करना होगा, ठीक है, क्योंकि ये ग्लोबल वेरिएबल था, मीन्स हम बेसिकली एज अ इस फंक्शन के लिए ग्लोबल वेरिएबल है, पूरे बेसिकली इस क्लास के लिए नहीं है बट इस फंक्शन के लिए तो ग्लोबल था ही। तो हमें क्या करना होगा, इस फंक्शन के अंदर पास करना होगा इसको यूज करने के लिए। कैसे पास करेंगे, उसके लिए आप यूज करते हो यहाँ पर यूज कीवर्ड, ठीक है, इसको हम बोलेंगे कि जब भी आप यहाँ पर सब क्वेरी आप पास कर रहे हो, अगर आपको कोई भी ऐसा वेरिएबल है जो कि आपको इसके अंदर यूज करना है, तो ध्यान से समझिए कि आपको यहाँ पर यूज करना होगा, यूज मेथड यूज करना होगा, और फिर आपको उसमें वो वेरिएबल्स प्रोवाइड करने होंगे। जैसे मेरे को यहाँ पर यूज करना था डॉलर सर्च, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर लिख दूंगा यूज में डॉलर सर्च को, क्या करो यहाँ पर इंटरनली यूज करवाओ, ठीक है, तो अब जो है अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर लाइक बाय द वे मान के चलो मेरा डॉलर एक्स भी होता है यहाँ पर डॉलर एक्स इक्वल टू जीरो, तो मैं क्या करता है यहाँ पर डॉलर एक्स कॉमा लगा करके प्रोवाइड कर देता और ये इंटरनली मेरा आ भी जाता, ठीक है। लाइक मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूँ, पहले मैं डॉलर एक्स के साथ दिखा देता हूँ, फिर मैं सर्च के बाद सर्च के लिए भी दिखा दूंगा, ठीक है। तो अभी बेसिकली डेटा नहीं आएगा क्योंकि सॉरी डेटा तो आ रहा है क्योंकि अभी हमने जो है बेसिकली यहाँ पर जीरो प्रोवाइड किया है बट टैग के अंदर वो एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, यहाँ पर अब हम एक्स को हटा देते हैं, अब हम यूज करते हैं ओनली सर्च वाले, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, तो मैं यहाँ पर यूज करता हूँ डॉलर सर्च, जो कि आपका बेसिकली ये है डॉलर सर्च। तो जो भी सर्च में डेटा आएगा वो आपको यहाँ पर एग्जिस्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं क्या करता हूँ इसको और हिट करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपका डेटा आना चाहिए वो आपको एक डेटा आना चाहिए, ठीक है, बट यहाँ पर आ गया ना, ठीक है, प्रॉपर है। तो यहाँ पर देख पा रहे हो आप कि आपको प्रॉपर डेटा मिल रहा है, मीन्स प्रॉपर डेटा अगर आपको टेस्ट करना है या नहीं कि कैसे हमें प्रॉपर मिल रहा है वो मैं आपको टेस्ट करके दिखा देता हूँ। मान के चलिए सीएमएस नाम का जो है आपका कीवर्ड था, अगर मैं इसको डेटाबेस के द्वारा अगर मैं चेक करना चाहूँ तो सीएमएस नाम का जो की टैग है वो किस किस एसेट के अंदर एग्जिस्ट करता है, एसेट आईडी के अंदर, जो कि वन। तो यहाँ पर ऑब्वियसली बात है वन आएगा। अगर लाइक बाय द वे मान के चलो मैं स्प्रिंग लेता हूँ जो कि स्प्रिंग नाम का जो टैग है बेसिकली आपके थ्री एसेट के अंदर एग्जिस्ट करता है, फोर के अंदर एग्जिस्ट करता है, मीन्स की थ्री एंड फोर जो एसेट है वो मेरे को रिटर्न में आना चाहिए अगर मैं यहाँ से प्रोवाइड करता हूँ। तो चेक कर लेते हैं, सेंड किया मैंने यहाँ से और मेरे को थ्री एंड फोर आना चाहिए, देख सकते हो यहाँ पर थ्री एसेट आ रहा है क्योंकि इस इसके टैग्स के अंदर एग्जिस्ट करता है स्प्रिंग, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ फोर के अंदर, यहाँ पर भी ये इसके अंदर एग्जिस्ट करता है, तो यहाँ पर आपका फोर के अंदर मिल रहा है, ठीक है। एक मान के चलो मैंने अभी यहाँ पर कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया, तो यहाँ पर जो आपको देखने को मिलेगा जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो कुछ भी डेटा नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, क्योंकि गैज यहाँ पर आपने जो है वेयर इन यूज किया है। मैंने जैसा कि आपको स्टार्टिंग में बताया था कि यहाँ पर जो कंडीशंस लगेंगी वो आपके पेरेंट के लिए भी अप्लाइड होंगी, अगर ये इंटरनली डेटा नहीं रिटर्न करेगा तो आपका बाहर से भी कोई डेटा एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हमारा जो पर्पस था एपीआई का वो ये था कि हमारा जो यहाँ से कीवर्ड आएगा जिसमें वो टैग एग्जिस्ट करता है वही मेरे को एसेट रिटर्न करो, बट ये वाला जो टैग है वो कहीं एग्जिस्ट नहीं करता किसी भी एसेट्स के पास, तो इसलिए कोई एसेट हमारे को रिटर्न करके उसने नहीं दिया। लाइक मान के चलिए मैं एक और आपको एग्जाम्पल देता हूँ, ह्यूमन है, ह्यूमन जो है किसके अंदर एग्जिस्ट करता है आपके टू वाले एसेट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, लाइक मैं यहाँ पर इसको प्रोवाइड करता हूँ, सेंड करता हूँ, तो अब ये मेरे को टू एसेट दे देगा, देख सकते हो यहाँ पर मेरे को इसको टू एसेट दे रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमने चेक किया कि वेयर इन हमने क्या लगाया हुआ है यहाँ पर वेयर इन, कि वेयर इन टैग के अंदर अगर ये जो आपका ह्यूमन है वो किसी भी टैग के अंदर एग्जिस्ट करता है, तो यहाँ पर इसने चेक किया फर्स्ट वाले में के अंदर इसमें नहीं एग्जिस्ट करता था, तो चलो इसने इग्नोर कर दिया, सेकेंड वाले के अंदर इसने इग्नोर कर दिया, बट अगर थर्ड वाले के अंदर मिल गया तो इसने रिटर्न कर दिया, बट अगर थर्ड वाले के अंदर भी नहीं मिलता तो ये आपको कुछ भी डेटा रिटर्न नहीं करता, सिंपल एक एम्प्टी एरर रिटर्न करता है एसेट्स के अंदर, ठीक है। तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये था, एक बार मैं थोड़ा और कंक्लूजन इसका प्रोवाइड कर देता हूँ इस वेयर हैज का। वेयर हैज जो है आपका बेसिकली तब यूज होता है जब आप चाहते हो
कि आप नेस्टेड, जो आप बेसिकली नेस्टेड क्यों बोल रहा हूँ, बेसिकली आप रिलेशनशिप के बेस पर सर्चिंग लगाना चाहते हो, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि अगर मैं किसी इसके ऊपर कंडीशन नहीं लगा रहा था, मैं ओनली टैग्स के अंदर बेसिकली कंडीशन लगा रहा था ओनली टैग वाले की के अंदर, ठीक है, कि जो मेरा रिलेशनशिप पे जो डेटा आ रहा है अगर उस टैग के अंदर ये वाला कीवर्ड अगर एग्जिस्ट करता है तो मेरे को डेटा वो रिटर्न करके दो, बढ़ना मत करके दो, ठीक है। तो यहाँ पर इसने चेक किया कि हाँ ह्यूमन एग्जिस्ट करता है, तो इसने रिटर्न करके दे दिया। अगर मैं यहाँ पर लिखता समथिंग फलाना ढिकाना, ये क्योंकि कीवर्ड किसी में एग्जिस्ट नहीं करता तो ये मेरे को कुछ रिटर्न ला करके भी नहीं देता, ठीक है। तो यहाँ पर कंक्लूजन इसका क्या बनता है, वेयर हैज आप तभी यूज करें तब आपका नेस्टेड रिलेशनशिप में या रिलेशनशिप में आप कोई भी कंडीशन यूज करना चाहते हो, ठीक है। लाइक वेयर इन हो गया, वेयर हो गया, वेयर लाइक हो गया, वेयर नॉट इन हो गया, ठीक है, वेयर समथिंग जो भी आप लगाना चाहते हो, वेयर ग्रेटर देन, वेयर लेस देन, ठीक है। तो आप यहाँ पर मल्टीपल अप्लाई कर सकते हो, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ मल्टीपल आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर लाइक मान के चलो मैंने बोला कि नॉट इन भी लगाता हूँ, देखिएगा मैं एक और कंडीशन लगाता हूँ यहाँ पर, इसके जस्ट टॉप पर लगा देता हूँ कि वेयर नॉट इन हो, पहले तो वेयर नॉट इन, ठीक है, कि टैग में यहाँ पर मैंने लिख दिया लाइक डॉलर सर्च लिखूंगा, तो क्योंकि गाइस पता है कि वेयर नॉट इन ये सबसे पहले इस कंडीशन को ट्रू कर देगा, फिर यहाँ पर इसको चेक करेगा, तो इसलिए हम ऐसा नहीं करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ लाइक कुछ एग्जांपल लेते हैं, लाइक मान के चलो मैंने लिख दिया टैग में, मैंने स्टैटिक डाल देता हूँ, ठीक है, आपका जो बेसिकली वेरिएबल आता है कुछ होगा वेरिएबल जो कि आप यूज में पास करिएगा वो आप प्रोवाइड कर दीजिएगा, ठीक है। अब लाइक मैंने यहाँ पर लिखा कि समथिंग मैं यहाँ पर कुछ प्रोवाइड कर लेता हूँ, ह्यूमन प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर ह्यूमन लिखा हुआ है, ठीक है, इसमें क्या होता है कि पर्सन आ रहा है, इमोजी बॉडी आ रहा है, लाइक मैं यहाँ पर इसको पर्सन प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिख दिया एज अ स्ट्रिंग में, पर्सन ना हो बट ये हो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं इसको सर्च करता हूँ, ठीक है, तो देखिएगा जो आपको आउटपुट मिलेगा वो क्या मिला, देख सकते हो, तो यहाँ पर आपको पर्सन पर्सन नहीं एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है। वेयर नॉट इन पर्सन हमने यहाँ पर लगाया, ठीक है, वेयर नॉट इन पर्सन, बट हमने क्या किया टैग में वही लगा दिया, तो इसने क्या किया पूरा का पूरा डेटा रिटर्न कर दिया, ठीक है। तो इसने पहले ये चेक किया कि क्या वो टैग के अंदर, मतलब वेयर नॉट इन हमने लगाया पर्सन के ऊपर, तो हाँ ये हमारा वर्क किया, बट हमने वेयर इन भी लगा दिया था, ठीक है, इसलिए हमने रिटर्न बैक भी कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे मल्टीपल आप जो है क्वेरीज को पास कर सकते हो, जैसे यहाँ पर मैं पास कर करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पर आप वेयर लाइक भी लगा सकते हो, लाइक वेयर लाइक कैसे लगाते हो आप, समथिंग वेयर, यहाँ पर आपका नेम आ गया, फिर आप यहाँ पर लाइक प्रोवाइड करते हो समथिंग लाइक, ठीक है, फिर आप यहाँ पर एज अ परसेंटेज में अपना डेटा प्रोवाइड कर देते हो, ठीक है। तो जो भी होता है आप कर सकते हो, बट मैं आपको बता रहा था कि बस आप मल्टीपल यूज करना चाहते हो तो आप मल्टीपल यूज कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वेयर हैज यूज होता है। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर्स में जिसमें हम एक्सपीरियंस और थोड़ा शेयर करेंगे, जिसमें काफ़ी कुछ है अभी एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, सो थैंक यू।